अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने माँ बाप अपने फैमिलीज के साथ आराम से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग बनाने वाले हैं ग्रीक योगर्ट एवोकाडो डिप। वैसे तो पहले ऐसा रहता था कि हम लोग कभी भी कोई भी एपिटाइजर्स बना रहे या स्टार्टर्स बना रहे तो उसके साथ कुछ भी सर्व करते थे, उसको एक चटनी के नाम से ही बोलते थे। लेकिन आजकल डिप, डिपिंग सॉस ये बोलने का ज़्यादा फैशन है। तो ऐसे बहुत इजी सिंपल डिपिंग रेसिपीज़ है जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्रीक योगर्ट एवोकाडो डिप। ये बहुत सिंपल है, चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 एवोकाडो, फिर आ जाते हम लोग सॉल्ट पे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, वैसा जो मैं ली आज वो 1 टीस्पून है। देन 1½ गार्लिक जिसको मैं फाइनली चॉप कर दी, देन फ्यू पेपरकॉर्न्स साबित काली मिर्ची, देन 1½ टीस्पून या आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते, दिस इज लेमन जूस, देन हैंडफुल कोतमीर, और लास्ट में है ग्रीक स्टाइल योगर्ट। ग्रीक स्टाइल योगर्ट मीन्स जो थिक रहता है एकदम। तो हम लोग चलिए शुरू करते ग्रीक योगर्ट एवोकाडो डिप। सबसे पहले आपका जो भी मिक्सर ग्राइंडर है उसका जो स्मॉल वाला कंटेनर रहता उसमें आप सबसे पहले डाल दीजिए एवोकाडो, देन सॉल्ट, गार्लिक, पेपरकॉर्न्स, लेमन जूस, कोथमीर और योगर्ट। इन सब को मिला के अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और आपकी डिप तैयार है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रीक योगर्ट एवोकाडो डिप तैयार है। आप इसको जब भी सर्व करते तो आप इसको नाचोस के साथ सर्व कर सकते, चिप्स के साथ सर्व कर सकते, या ब्रेड पे स्प्रेड के जैसा इस्तेमाल कर सकते। ये टेस्ट में बहुत अच्छा रहता और एवोकाडो के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है, तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल करिए। और जब भी आप ये डिप बनाएंगे तो इसका ख्याल रखिए कि ये टेक्सचर में एकदम क्रीमी होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं ऐसे और बहुत सारे डिप्स है या डिपिंग सॉस है जो इंशाल्लाह मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। इंशाल्लाह अगली बार एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।